अस्सलाम वालेकुम, लव बर्ड वैली की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि लव बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स का कोर्स कब कराना चाहिए और इसका क्या फ़ायदा है। देखें, अगर तो आपने कोई नए बर्ड्स ख़रीदे हैं मार्केट से रिसेंटली या किसी ब्रीडर से ख़रीदे हैं और आप उनको घर में लेके आए हैं, तो आपको लाजमी एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाना चाहिए, क्योंकि पॉसिबली वो कोई इन्फेक्शन कैरी कर रहे होते हैं। और अक्सर इस तरह होता है कि नए बर्ड्स जब आप ख़रीदते हो तो जब आप घर लेके आते हो कुछ दिनों बाद उनको इन्फेक्शन हो जाती है। मैंने अभी ये नए बर्ड्स ख़रीदे हैं, तो मैं देख रहा था कि एक फ़िशर आँख बंद कर रहा था, तो और एक पीच फेस जो है उसको तो इन्फेक्शन हो गई है, उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया अलहदा केज में और मैं उसको एंटीबायोटिक्स और आई ड्रॉप्स दे रहा हूँ। बाकी जो लव बर्ड्स हैं वो तो देखने में हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके अंदर इन्फेक्शन हो जो कि कुछ दिन बाद अपीयर हो जाए। जब मैंने ये पीच फेस ख़रीदा था तो तब ये भी हेल्दी था, लेकिन ये आने के बाद कुछ दिनों बाद इसको जो है इन्फेक्शन हो गई। एक आँख इसकी जो थी वो छोटी थी, तो मैंने देखा, फिर मैंने उसको अलग किया और अब मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो बाकी लव बर्ड्स जो हैं, अगर तो उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन अभी हो सकता है कि वो अपीयर ना हो लेकिन उनके अंदर हो, अगर आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवा देते हैं उनको, तो कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आई इन्फेक्शन या कोई और प्रॉब्लम हुई है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई, तो आप उसको कोई दूसरा ट्रीटमेंट करके तो उसका इलाज कर सकते हैं। ये गर्मियों में आमतौर पे ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में बर्ड्स डाइट कम खा रहे होते हैं, और उसके अलावा जब अगर आप जगह चेंज कर दें इनकी, तो उसकी वजह से इनमें जो है रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ये बीमार हो जाते हैं। इनके लिए बेस्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो विब्रामाइसिन है, वो अभी मैं आपको आपके सामने पानी में मिक्स करके दिखाऊंगा। ये 5 दिन का कोर्स आपने करवाना है, और ये कम से कम साल में 2 दफ़ा आप ज़रूर करवाया करें, अगर आपने नए बर्ड्स ना भी लिए हों तो, गर्मियों में और एक दफ़ा जब सर्दियां आ रही हों, मौसम जब चेंज हो रहा हो, तो तब एंटीबायोटिक्स का कोर्स इनको करवा देना चाहिए, ताकि जो भी अंदर इन्फेक्शन्स हैं वो इनकी ठीक हो जाएं। तो चलें एंटीबायोटिक्स देखते हैं किस तरह ऐड करते हैं। ये विब्रामाइसिन के कैप्सूल्स हैं, 5 मैं लेके आया हूँ, ये तकरीबन 6-6.5 रुपए का एक आता है, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये। मैं इसको पानी में मिलाऊँगा, मैं निकालता हूँ, कैप्सूल को इस तरह से खोल लें। किसी भी चीज़ से इसको मिक्स कर लें। आजकल गर्मी है तो ये काफ़ी पानी पीते हैं, तो ये बड़ा बर्तन है, मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ, ये पानी ज़्यादा पियेंगे तो तब ये इनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी। 5 दिन तक आपने इनको ये देना है, रोज़ सुबह एक कैप्सूल ऐड कर दें पानी में, और पानी ज़रूर चेंज करें, चेंज करके बल्कि रात को ही जो पानी है मेडिसिन वाला वो फेंक दें, और सुबह जो है वो एक नया कैप्सूल इसमें ऐड कर दें। और अब मैं इस पानी को उनके केज में ऐड कर देता हूँ। एंटीबायोटिक्स डालने का ये मुझे इस फ़ायदा होगा कि अगर तो ये खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते और मैं इनको एंटीबायोटिक्स ना देता, तो एक तो मुझे ये पता नहीं चलना था कि ये किस वजह से इनको इन्फेक्शन हुई है, और दूसरा मुझे इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ना था किसी और जगह पे, किसी और केज में इंडिविजुअली इनको आई ड्रॉप्स डालने पड़ने थे, तो उससे मेरा काम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाना था। अब ये मैंने डाल दी है इनको एंटीबायोटिक्स, तो अब जो है मुझे ये कम से कम इस बात का इत्मीनान है कि ये इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे। अगर कोई बीमार हुआ भी तो मैं फिर देखूँगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये किसी और वजह से हुई है, फिर मैं उसका हल ढूँढूँगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।